गरीबों के लिए मुश्किलात का पैगाम, अद्वियात की कीमतों में इजाफा, गरीब आदमी के लिए इलाज कराना बहाल हो गया, शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम, सनावा की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और चावल नायाब, शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। महंगाई का सुनामी, हर सू परेशानी ही परेशानी, फैजगंज में मुर्गी का गोश्त फी किलो 750 रुपए में फरोख्त होने लगा, गरीब आवाम के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना नामुमकिन। जालिमाना लोड शेडिंग नामंजूर, गिलगित के आवाम का सबर जवाब दे गया, बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए, 12 से 14 घंटों तक बिजली गायब रहना मामूल, जिंदगियां अजीरन हो गई। जहलम में मूसलाधार बारिशों की वजह से मवेशी मंडी कीचड़ के तालाब में तब्दील, दूर दराज से आए हुए व्यापारी परेशान, व्यापारियों का इंतजामिया से मुतबादल जगह फराहम करने का मुतालबा। सखर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहक खवातीन की रकम से कटौती का सिलसिला न थम सका, रकम के हुसूल के लिए आई खवातीन रुल गई, इंतजामिया सहूलियात न दे सकी। ईद कुर्बान की आमद आमद, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भावताव का सिलसिला जारी, किसी ने जानवर खरीद लिया तो कोई तलाश में सरगर्दां, जानवरों के आसमान को छूते दामों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को मुश्किल बना दिया। ईद कुर्बान की तैयारियां और उज पर, दीपालपुर में छुरियां, चाकू और टोकों की मांग में इजाफा, लोहारों का काम चमक उठा, कोई नए औजार खरीद रहा है तो कोई पुराने औजारों की ही धार बनवा रहा है। और मुखय्यर हजरात इंसानियत की खदमत के लिए पेश पेश, लैया में निजी तंजीम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद, मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई।